Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, hum class 12th ka unit 3rd human health and disease pad rahe hain, jisme humne abhi tak pehla part yani ke pathological part jisme humne disease padhe wo complete ki, chahe wo bacterial disease ho, viral disease ho, protozoan disease ho, हेलमिंथिक डिजीज हो, फंगल डिजीज हो। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया इसी यूनिट का, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल पार्ट, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट्स इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें एंटीबॉडीज, हमने एंटीजन्स को स्टडी किया, साथ ही में हमने इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर जिसमें SCID और एड्स को हमने स्टडी किया। एक और डिजीज हमने पढ़ी, इसका नाम है कैंसर, वो हमने पढ़ा। तो दूसरा पार्ट जो इम्यूनोलॉजिकल पार्ट है इसी यूनिट का, वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट इसी यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड इलनेस, यानी कि वो बीमारियां जो किससे है, बिकॉज ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन से रिलेटेड दो तरह की बीमारी हो सकती, एक वो बीमारी जो राइट फ्रॉम बर्थ है, कॉन्जेनाइटल है, इनबॉर्न है, या ड्यू टू एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ, इसका कहते हैं फिजिकल। और दूसरा वो है जो किसी ड्रग या किसी केमिकल की वजह से हो सकता है। तो आज के इस थर्ड पार्ट ऑफ दिस यूनिट में हम ये स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज एक्चुअली मेंटल इलनेस, और ये जो मेंटल इलनेस है ये किसकी वजह से होता है। तो जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन हमने दो जगह स्टडी की, एक जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टडी किया, वहां भी मैंने पहले बोला कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया यही यूनिट जिसको हमने नाम दिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें भी पहले हमने स्टडी किया व्हाट इज एक्चुअली हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो दैट मीन्स यहां पर हमें फिर एक बार स्टडी करेंगे व्हाट इज एक्चुअली हेल्थ, लेकिन यहां पे जो हेल्थ हमें स्टडी करना है वो ब्रेन के रिलेटेड है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट व्हाट इज एक्चुअली अ मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज एक्चुअली अ मेंटल इलनेस। एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउअडेज जो मेंटल हेल्थ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डे टू डे लाइफ है हमारी, खासतौर जो पास्ट 6 or 7 months or 8 months से जो ये वबा चल रही है, हम ये कह सकते हैं एक इंफेक्शन पूरी वर्ल्ड को हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड या बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, इसने बहुत लोगों को डिप्रेशन के स्टेट में जाम डाला। अगर आपने डेट बहुत रिसेंटली अगर आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNO ने एक डेटा जारी किया कि इस कोविड की वजह से बहुत सारे सोशल इवल्स बढ़ने लगे, पहला पॉइंट। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो सबसे ज्यादा बढ़ने लगा, और इस डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुई है दैट इज वो वुमेन है। को अगर हम कहेंगे सोशल इवल्स हो, सोशल इवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा है कि एडिक्शन होने लगा, चाहे वो टोबैको का हो, एल्कोहल हो, या वो ड्रग का हो, तो लोग एडिक्ट हो गए। ये एडिक्शन बिकॉज ऑफ डिप्रेशन की वजह से है। जब लोगों के पास काम नहीं है, लोगों को मजबूर किया गया कि वो घरों के अंदर रहे, जिन्होंने अपने आप को बैलेंस में नहीं रखा, जिन्होंने अपने आप को हम कह सकते हैं जिनका अपने ब्रेन पे जिनका कंट्रोल नहीं रहा, वो डिविएट हो गए। और उस डिविएशन का रीजन बहुत सारे हैं, किसी का जॉब चला गया, किसी के क्लोज जब कह सकते हैं लोग उनकी डेथ हो गई, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आदत थी घूमने की, वो फंस गए एक ही जगह पे, या कुछ और रीजंस की वजह से किसी का कुछ लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, तो इस टेंशन की वजह, इस स्ट्रेस की वजह से लोग एंटर हो गए एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में। तो दैट मीन्स उनका जो मेंटल हेल्थ है वो वैसा नहीं रहा जैसा था, वो डिट्यूरेट हो गया। क्योंकि मुझे यहां पे आपको हिस्ट्री तो नहीं बोलनी है, लेकिन अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे इसी 5-7 महीने में, बहुत सारे लोग स्पेशली द यंग जनरेशन, यूथ जो हमारा है, वो एंटर हो गया है एक एडिक्शन में, जिसे बोलते हैं ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिक एडिक्शन या टोबैको एडिक्शन।
इट मींस जब कोई बंदा एडिक्ट स्टेट में हो गया तो उसका जो ब्रेन का हेल्थ है वो ठीक नहीं रहा, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं रहा। तो दैट मींस मेंटल हेल्थ को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक हेल्दी बॉडी तभी हो सकती है जब एक हेल्दी माइंड होगा। या हम उल्टा करेंगे, एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में रह सकता है। जब बॉडी हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली माइंड हेल्दी नहीं रहेगा, और जब किसी का माइंड हेल्दी नहीं है तो उसकी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती। सो हमें इस माइंड को हेल्दी रखना जरूरी है। ऑल्दो जो आपका करिकुलम है, ऑल्दो जो आपका सिलेबस है, वहां तो हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिटोरेट हो गया, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस हो गई, क्यों हो जाता है, कैसे, वी नॉट स्टडी इट। हमारे सिलेबस में हमें टू द पॉइंट हमें कुछ पॉइंट स्टडी करने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि एक्चुअली है क्या ही मेंटल इलनेस, है क्या ही मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब आपको पहले पता होगा तो देन यू कैन क्लासिफाई देम। उसके बाद जब आपको पता चलेंगे इनके साइड इफेक्ट्स कि जब किसी का मेंटल हेल्थ डिटोरेट हो जाता है उसका इंपैक्ट क्या रहता है उसके बॉडी पे, उसका इंपैक्ट क्या रहता है उसकी फैमिली पे, उसका इंपैक्ट क्या रहता है सोसाइटी पे, उसका इंपैक्ट क्या रहता है एक नेशन या कंट्री पे, सो शायद हम या शायद क्या डेफिनेटली हम इस से दूर रह सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने जो माइंड है या हमारा जो ब्रेन है हम उसको हेल्दी रख सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट टुडेस टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मेंटल हेल्थ। सो आई विल राइट द हेडिंग मेंटल हेल्थ एंड इलनेस। यह है आज का हमारा टॉपिक। सो टॉपिक जो है हमारा, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज ये लेक्चर नंबर 18 है, यानी कि टिल डेट इस यूनिट के हमने 18 लेक्चर्स दिए या 18th लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो हमारा एक नया टॉपिक है, एक नया पार्ट है, दैट इज ह्यूमन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस। सबसे पहला हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ तो पहले ही पता है, तो हमें एक्चुअली इसमें डिस्कस करना है मेंटल हेल्थ, लेकिन मैं पहले हेल्थ को डिफाइन करूं। अगर आपको याद होगा WHO ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ रहे हैं, कि वो इंसान जो फिजिकली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, ठीक है, फिजिकली चले फिट की बात हो, यहां पर लिखूंगा फिजिकल हेल्थ, देन सोशल हेल्थ, देन साइकोलॉजिकल हेल्थ। इसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल जिकल, यहां इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। हमने कहा था कि एक इंसान फिजिकली फिट होना चाहिए। What do you mean by physical fitness? यानी कि इसमें कोई, हम कह सकते हैं कि कोई, सपोज किसी का गाल ब्लेडर खराब हो जाता है, उसमें स्टोन्स होते हैं, तो हम उसको गाल ब्लेडर रिमूव करते हैं, पर फिजिकली फिट नहीं है। किसी को सर्जरी हुई है, कोई ऑर्गन्स को निकाला गया है, पर फिजिकली फिट नहीं है। किसी का किडनी को रिप्लेस किया गया है या किडनी को निकाला गया है तो वो फिट नहीं है। या सपोज किसी की टांग नहीं है, या सपोज किसी का एक आर्म नहीं है, किसी की उंगलियां काम नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि वो फिजिकली फिट नहीं है। सो जब एक इंसान, जब एक ह्यूमन बीइंग, उसमें कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, उसके बॉडी के एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगे, हम कह सकते हैं कि वो फिजिकली फिट नहीं है। और जब कोई फिजिकली फिट नहीं होगा, हम उसे कह सकते हैं कि उसकी कोई फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। तो कब हम कह सकते हैं एक पर्सन इज हैविंग अ गुड फिजिक, गुड फिजिकल हेल्थ, जब वो फिजिकली फिट होगा, जब वो ऑर्गन से, बॉडी के पार्ट से फिट होगा, जब उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, जब उसके सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे होंगे, जब उसके सारे बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे, वी कैन से कि वो फिजिकली फिट है। हम कहते हैं ना गुड फिजिक, यानी उसकी जो पूरी फिजिकल फिटनेस है वो फिट होनी चाहिए। नाउ जिसका फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, हम कह सकते हैं वो फिजिकली डिजीज्ड है, यानी कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो फिजिकली डिजीज्ड है। सेकेंड वन इज सोशल।
सोशल हेल्थ मस्ट है क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। हम रहते हैं सोसाइटी में, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें जिंदा रहने के लिए लोगों की जरूरत है। वी आर डिपेंडेंट। वो लोग जो कारखाने में काम करें, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। वो लोग जो सपोज ड्राइविंग करते हैं या बाकी डिफरेंट काम करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। फार्मर्स पे हम डिपेंड है, वो काम करते हैं खेतों में, वो अनाज उगाते हैं, वो अनाज लाते हैं, वो बेचते हैं, वो अनाज फिर हमारे पास पहुंचता है जिनका अपना लैंड नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अलग लोग हैं जो कैरी करते हैं ये सब चीजें। इसी तरह वो लोग जो इनको सेल करते हैं फिर वो अलग लोग हैं। सो वी आर डिपेंड ऑन वन अनदर। आप सोसाइटी में देख सकते हैं वी आर कनेक्टेड। कभी भी इंसान अकेले नहीं रह सकता है। आप देखिए, जब अल्लाह ने इस दुनिया को क्रिएट किया, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा किया, क्रिएट किया, उसके साथ ही उसके लिए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी क्रिएट किया, सो दैट दे कैन लिव टुगेदर हैप्पीली। और जब वो दो तो उनके थ्रू रिप्रोडक्शन से उनकी एक जो जनरेशन को प्रोड्यूस किया। सो एक मैन के लिए एक वुमेन मस्ट है, फिर उसकी एक फैमिली कंप्लीट होती है, उस फैमिली के लिए वो लोग जदोजहद कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली चलता है। उसके बाद वी आर डिपेंड ऑन आवर सराउंडिंग पीपल। सो एक सोसाइटी तब से बेस्ट मानी जाती है, एक सोसाइटी हेल्दी मानी जाती है जब उस सोसाइटी के कंपोनेंट्स बेस्ट होंगे। Who makes the society? We people. हम लोग। अगर सोसाइटी में कोई एक बंदा ड्रग एडिक्ट है तो ये पूरी सोसाइटी को खराब कर सकता है। या ऐसी बात हुई कि एक जो रॉटन एप्पल है वो सारे एप्पल को खराब कर सकता है, एक रॉटन फिश सारे फिश को खराब कर सकती है। इसी तरह अगर सोसाइटी में एक बंदा भी एडिक्ट है, एक बंदा भी डिफेक्टिव है, वो सारी सोसाइटी को खराब कर सकता है। दैट मीन्स हम अपनी एक सोसाइटी को हेल्दी बना रहे हैं। वी टेक अ गुड केयर ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे के घर आना जाना, हम उनकी हेल्थ को देख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डेट करते हैं, एड्रेस करते हैं। सपोज अगर हमारी सोसाइटी में कोई बंदा ऐसा है जिसे कोई हेल्थ इशू है, जिसे कोई पर्सनल इशू है, एंड दैट पर्सन नीड्स मनी, तो ये सोसाइटी मिलकर उसके लिए हेल्प करती है। यही तो है रिलीजियस, यही तो है कॉन्सेप्ट लिविंग का कि वी शुड हेल्प टू वन अनदर सो दैट इन ऑल टाइम कोई इंसान, चाहे वो गरीबी की वजह से, चाहे वो डेबिट्स की वजह से, या सपोज वो किसी और रीजन की वजह से, हेल्थ की वजह से वो खुद को अकेला पा रहा, वो खुद को तन्हा पा रहा, लेकिन जो इसके सराउंडिंग लोग हैं, जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं, वो इसको हेल्प करते हैं और वो बंदा कहता है कि हां मैं अकेला नहीं हूं, आई हैव अ पीपल। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन नेटिव प्लेस, दैट्स कश्मीर। कश्मीर इसी चीज के लिए मानी जाती है, कश्मीरियत के लिए, क्योंकि वी एज अ सोसाइटी ऑलवेज हेल्प टू वन अनदर। जिस दिन हम ये हेल्प करना छोड़ दें, जिस दिन हम अपने सराउंड में अपने नेबर्स को, अपने लोगों को एड्रेस करना भूल जाते हैं, उस दिन हम लोग खुद मुब्तला होते हैं डिजीज में। आज तो वही हो रहा है। हम लोगों को अननेसेसरी परेशानी, अननेसेसरी डिसऑर्डर्स, अननेसेसरी मेंटल एक्सर्शन, अननेसेसरी डिप्रेशन। रीजन, बिकॉज हमने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स को, उनके तकालीफ को, उनके परेशानी को एड्रेस करना छोड़ दिया है। सोशल हेल्थ यही है। सोसाइटी में हमें सोशियोलॉजी में यही सिखा रही है कि वी शुड ऑलवेज टेक अ गुड केयर ऑफ अवर सोसाइटी। सोसाइटी का गुड केयर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अपने नेबर्स का, हम अपने सराउंडिंग पीपल को एड्रेस करें, बल्कि जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा सराउंडिंग में एनवायरमेंट है, उसे हमें एड्रेस करना, उसे हमें देखना है कि कहीं हमारे एनवायरमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सपोज अगर हमारी सराउंडिंग में हम देख रहे हैं वाटर बॉडीज है, कहीं हमारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट तो नहीं किया जा रहा, या हमारी लैंड को पोल्यूट तो नहीं किया जा रहा है। अगर कहीं पे कोई इशू हो रहा है, वी शुड एड्रेस इट। शायद इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इंडियन, इसमें हम कह सकते हैं प्रीएम्बल में, दैट वाज द मेकिंग ऑफ पंचायत बॉडीज। क्यों? क्योंकि अगर किसी छोटे गांव में एक मिनिस्टर जो है पहुंच नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, पंचायत बॉडी है, वो उसको एड्रेस करेंगे। शायद अगर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो इसीलिए क्रिएट किया गया था बैतुल माल ये कॉन्सेप्ट, ताकि हम एड्रेस कर सकते हैं लोगों की परेशानी को, प्रॉब्लम्स को, विदाउट नोइंग कि ये कहां से आया, किस तरीके से आया। दैट्स अ सोशल हेल्थ। अब जो थर्ड है, दैट्स साइकोलॉजी, साइको, दैट्स ब्रेन, द हेल्थ विच इज एसोशिएटेड विद आवर ब्रेन। जब आपका दिमाग काम करेगा ठीक से, जब आपका दिमाग बेस्ट होगा, जब आपका दिमाग हेल्दी होगा, यू आर हेल्दी। आपका दिमाग ठीक है, आप ठीक हो। जब आप ठीक हो तब सोसाइटी ठीक है, जब सोसाइटी ठीक है तब एक नेशन ठीक है। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर मेंटल हेल्थ,
अगर हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है, अगर हमारे दिमाग के, अगर हमारी ब्रेन के सोच की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली भी है। जैसे आज देख सकते हैं लोग एक दूसरे पर ताना कसते हैं, टोंट्स करते रहते हैं एक दूसरे पर, मतलब हम कोई मौका नहीं छोड़ रहे एक दूसरे पर हम ब्लेम्स करने के लिए, ऑल दो वो हो या नो हॉट मैटर्स। तो ये हमारी सोच की प्रॉब्लम है, हमारी थिंकिंग की प्रॉब्लम। किसी विलेज में यह देखा गया कि नहीं, हमारी लड़कियां क्यों पढ़ रही है, लड़कियां तो जो है आगे जा रही है, तो उनकी सोच है जो सोच रहा है कि व्हाई गर्ल्स आर स्टडी। रिसेंटली मैं कल ही देख रहा सुन रहा था 93.5 पे, तो वहां पे एक हम कह सकते हैं उन्हें स्टार्ट किया था उस एक ग्लोबल पार्टी थी, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्हें स्टार्ट किया था कश्मीर में ही कि वुमेन की जो ड्राइविंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, लोग अक्सर जब हम बाहर जाते हैं रोड्स पे, हम देख रहे हैं कोई लड़की ड्राइव कर रही है, अक्सर हम टॉन्ट करते हैं, अक्सर हम उस पर कमेंट्स पास ऑन करते हैं, क्यों, क्या लड़की को हक नहीं है गाड़ी ड्राइव करना, क्या वो हमेशा डिपेंड रहेगी मेल्स पे। तो ये जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, we have to change it। यही तो है मेंटल हेल्थ, यही तो है साइकोलॉजिकल हेल्थ। सो जो एक ब्रेन है, जब ये हेल्दी होगा, ब्रेन कैसे हेल्दी रहेगा, जब हम इसको हेल्दी रखेंगे। आई मीन टू से कि अगर हमने खुद को इंडल्ज किया इन रॉन्ग एक्टिविटीज में, तो हमारी जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी खराब हो सकती है। सो एक दिमाग की हेल्थ जो है, हेल्दी ब्रेन मस्ट है, क्योंकि जब एक ब्रेन हेल्दी होगा हमारी पूरी बॉडी हेल्दी। एक बार ब्रेन खराब होगा, एक बार ब्रेन बीमार होगा, पूरी बॉडी बीमार हो जाती है। सो वी हैव टेक अ गुड केयर ऑफ अ मेंटल हेल्थ। तो वही इंसान गुड हेल्थ, उसी इंसान को हम कह सकते हैं कि ये हेल्दी है, उसी इंसान को हम कह सकते हैं इज पोजिशन गुड हेल्थ और शी इज पोजिशन गुड हेल्थ, जब उसकी ब्रेन का जो हेल्थ है, जब उसका ब्रेन हेल्दी होगा। और अगर एनी कोई भी इशू होगा ब्रेन के रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं वो मेंटली इल है, वो साइकोलॉजिकली इल है। तो यहां पे जो एक्चुअली हमें स्टडी करना है, हमें यही आज स्टडी करना है। फिजिकल हेल्थ तो हम पढ़ते ही है, 11th क्लास में हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, एक्सक्रेटरी हो, नर्वस हो, एंडोक्राइन हो, उन सिस्टम में हमने देखा है कि कैसे कैसे कौन क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये जो सोशल हेल्थ है, ये हमारे इस करिकुलम में नहीं होता है। या अगर आपको स्टडी करना है इसके लिए, वी हैव टू स्टडी द सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इस चीज को। यहां तो हमें और डिटेल नहीं पढ़ना है, सोशियोलॉजी में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को मेंटेन कर सकते हैं इन ए गुड हेल्दी स्टेट में। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, दैट इज साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ। ऑल्दो हमें यहां भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जितना हमें इसके लिए एक अलग ब्रांच निकाला गया, दैट्स नोन एज साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। हमें ब्रेन की एनाटॉमी नहीं, बल्कि ब्रेन की फंक्शन को स्टडी करना। तो दैट इज, लेकिन यहां पे हमारा एक छोटा सा पार्ट है कि व्हाट एक्चुअली इज साइकोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ। तो हम उस इंसान को कह सकते हैं कि इज पोजेसिंग अ गुड मेंटल हेल्थ, जो साइकोलॉजिकली फिट होगा, जिसकी सोच, जिसकी जो हम कह सकते हैं बिहेवियर, थिंकिंग एटसेट्रा, वो ठीक होगा। तो जो साइकोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ है, ये वो हेल्थ है जो रिलेट करता है किसके साथ, इंसान के दिमाग के साथ। तो अ पर्सन, हम उस इंसान को कह सकते हैं कि ही और शी इज पोजेसिंग गुड मेंटल हेल्थ और गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ, हु इज मेंटली फिट। तो मेंटली फिट होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि दे आर मेंटली डिजीज्ड। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, दे आर पीएचडी होल्डर्स, लेकिन उसके बाद जब उनको देखा जाता है, उनके एक्टिविटीज को देखा, उनके बिहेवियर को देखा जाता है, ऑन रोड, ऑफ रोड, क्या उनका बिहेवियर होता है, तो वहां पता चलता है कि नो, दे आर एजुकेशनली, ये पढ़े लिखे तो है, लेकिन दिमाग से, ये हम कहते हैं ना, ये दिमाग से पैदल है, एक्चुअली ये मेंटली रिटार्डेड है। उनकी सोच, उनकी जो समझ है, उनकी जो फिक्र, उनको ये समझ नहीं आया सोसाइटी, कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, दे डू नो इट। एक पीएचडी होल्डर, एक डॉक्टर, डॉक्टरेट की डिग्री वाला, एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एक एजुकेशनिस्ट ऑन द रोड, एक इलिटरेट बंदे के साथ झगड़ा करता है, सो वहां पे पता चलता है कि दिस मैन इज पोजेसिंग द एजुकेशन, लेकिन मेंटली ये फिट नहीं है। सो हम अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रख सकते, अगर हमारी सोच, सपोज अगर किसी बंदे को एंजाइटी, परेशानी है, वो हम कह सकते हैं वो मेंटली फिट नहीं है। अगर हम कह सकते हैं किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी चीजों को लेके गुस्सा आ जाता है, हम कह सकते हैं इज मेंटली डिजीज्ड। या कोई डिप्रेशन के स्टेट में चला जाता है, किसी का मतलब अननेसेसरी चीजों पर गुस्सा करना, चीखना, चलाना,
या सडनली ऐसे रोना या कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, मीन्स उसके दिमाग का जो है कुछ डिसऑर्डर है। तो इस साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ में हमें यही चीज पढ़ना है कि किनको हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और वो कैसे होते हैं। तो पहले हम याद ये रखेंगे, मेंटल हेल्थ मीन्स जब एक ब्रेन जो है बेस्ट तरीके से काम करेगा, जब एक दिमाग की जो हरकत है, जो दिमाग की सोच है, जो दिमाग का फंक्शनिंग है वो ठीक से होगा। लेकिन जो मेंटल व्हेन अगर हम कह सकते हैं कि अगर इफ ए पर्सन डज नॉट पोजेस गुड मेंटल हेल्थ, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा बेटा मैं आपको। मैंने आपको कल बोला कि सपोज हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब वहीं पे हमने किसी लड़की को भी गाड़ी ड्राइव करते देखा। सपोज ये लड़की अब उतनी स्ट्रांग, हम कह सकते इतनी कॉन्फिडेंट ड्राइवर नहीं है, मामूली एरर्स हो सकता है, उधारी के साथ हो सकता है, लेकिन यहां से किसी मेल ने उस पर कॉमेंट किया, यहां से किसी मेल ने उस पर कहका मारा, यहां से किसी मेल ने इसे कुछ कहा, मीन्स इस इंसान का जो दिमाग की जो है सोच है, समझ है, फिक्र है, बिहेवियर है, फंक्शन है, वो ठीक नहीं है। तो हम उसको भी कह सकते हैं कि वो मेंटली इल है। इफ ए पर्सन डज नॉट पोज अ गुड मेंटल हेल्थ ही और शी इज मेंटली इल, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमाग से बीमार है। एक होता है फिजिकल बॉडी से बीमार, दूसरा होता है सोशली बीमार, तीसरा होता है फिजिकल साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इलनेस। तो ये जो मेंटल हेल्थ इलनेस है इसकी तीन टाइप्स है, हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला उसे हम कहते हैं न्यूरोसिस, जो ये मेंटल इलनेस है इसे हम कहते हैं, इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं या तीन तरह की दिमाग की बीमारी हो सकती है। पहला जो है दैट इज न्यूरोसिस, ये माइल्ड बीमारी है, मामूली माइल्ड सिकनेस, ये इतनी ज्यादा बड़ी हम कह सकते हैं बीमारी नहीं है सबसे पहले। और जो पर्सन है ही इज अवेयर और शी इज अवेयर अबाउट हिज सिकनेस, उसे पता है कि वो बीमार है और वो रेडी है इस हेल्प के लिए, और वो रेडी है अपने आप को मतलब डॉक्टर के पास लेने के लिए, साइकेट्रिस्ट के पास लेने के लिए, सो दैट वो अपने इस बीमारी को एड्रेस कर सके, वो अपनी इस बीमारी को ठीक कर सके। तो हम कह सकते हैं माइल्ड सिकनेस, पर्सन नोज ही इज अबाउट हिज और हर सिकनेस, जो ये बंदा है इसे पता है अपनी बीमारी, एंड इज रेडी टू सीक हेल्प, और वो तैयार है हेल्प के लिए, खुद को ठीक करने के लिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी, ठीक है, कोई परेशानी में, फियर, अननेसेसरी डर, एंगर, गुस्सा आना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहां पे लिखू दैट्स फोबिया, अननेसेसरी उस बंदे को फोबिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोबिया विच टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है, ये आपसे नीट पेपर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोबिया किस तरह का हम कहते हैं मेंटल इलनेस, ये न्यूरोसिस है। उस इंसान को डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को एरोप्लेन में चढ़ने से डर है, एरोप्लेन में सफर करने से डर है। तो अननेसेसरी जो ये फोबिया होता है इट्स ए माइल्ड सिकनेस, बीमारी है। अगर उसको लगेगा नहीं ये बीमारी नहीं है, उसको ये समझाना है कि यस ये बीमारी है, और यहां पे इस न्यूरोस में पर्सन रेडी है हेल्प, एंड ही इज अवेयर अबाउट हिज सिकनेस। ये पहला था न्यूरोसिस। अब दूसरा जो है दैट इज साइकोसिस, साइकोसिस। न्यूरो मींस न्यूरॉन, साइको मींस ब्रेन,
साइकोसिस, ये दूसरा है। जो साइकोसिस है, ये वाली जो बीमारी है, इसमें एक्चुअली ये हम कहते हैं खतरनाक बीमारी है। जैसे अभी हमने पढ़ा था न्यूरस माइल्ड है, लेकिन ये इसमें एक और नाम हम देते हैं इंसान इसको, इंसान लूनेटिक या व्हाट वी कॉल्ड इज मैड। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, हम कह सकते दिमाग की बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें पर्सन डजंट know about his her illness। यहां पे बंदे को पता ही नहीं है कि वो बीमार है। ये खतरनाक बीमारी है दिमाग की, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो बीमार है। एंड इज नॉट रेडी सीक हेल्प, और वो तैयार ही नहीं है हेल्प के लिए। अगर हम उसे कहेंगे कि आप में ये इश्यू है, यू आर सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस, वो हम पे ही गुस्सा करेगा, वो हम पे ही चीखेगा, वो हम पे ही चलाएगा। और अगर आप उसको बोलोगे चले मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूं, मैं आपको साइकेट्रिक के पास ले जाता हूं, तो वहां से वो गुस्सा करेगा, वो कहेगा नहीं आप में बीमारी है, मैं तो ठीक हूं। वो खुद को समझता वो फिट है, लेकिन वो फिट नहीं है। हम कह सकते ये डेंजरस मेंटल इलनेस है। इसमें हम दो एग्जाम्पल रीड करेंगे। सबसे पहले अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज हमने पढ़ा होगा, यह होता है ड्यू टू डिक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलीन, यानी कि जो एसिटाइलकोलीन है वो कम निकलता है, उसके कम निकलने से ये वाली बीमारी है। पहले पहले क्या होता है, इंसान छोटी छोटी चीजें भूल जाता है, उसको पता ही नहीं होता उसने अपना मोबाइल फोन कहाँ रखा है, उसको पता ही नहीं है कि उसने सपोज अपनी कोई बुक, अपनी कोई चीज जो है जो डे टू डे लाइफ में उसको यूज होती है वो कहाँ रखी है। सो वो सारी चीजें जो रेगुलरली डे टू डे लाइफ में यूज होती है वो अक्सर भूल जाता है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ये बिल्कुल टोटल एंटायरली वो भूल जाता है इंपॉर्टेंट चीजों को भी। इवन वो कभी कभी खुद को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। अगर आपको याद होगा लॉन्ग बैक एक मूवी आई थी संजय लीला बंसाली की, दैट वाज ब्लैक, जिसमें रानी मुखर्जी का किरदार था, और उसको ठीक करते करते जो उसका टीचर है अमिताभ बच्चन जो रोल निभा रहे हैं, वो खुद उस डिजीज में मुबतला होता है, दैट्स अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, तो ये जो अल्जाइमर्स डिजीज है इज अ टाइप ऑफ साइकोसिस। अगर हम किसी बंदे को बोलेंगे वो कहेगा मिश्रा मशरब, मिश्रा मुझे भूलने की आदत है। अगर हम उसको बोलेंगे ये थोड़ी बहुत बीमारी है, यू एड्रेस इट, तो वो कहेगा नो आई एम फाइन। उसके बाद एक और डिजीज है, दैट इज शिजोफ्रेनिया। शिजो मींस स्प्लिट, तो यहां पे स्प्लिट पर्सनैलिटी हो, स्प्लिट पर्सनैलिटी। ध्यान से देखिए, एक टाइम पे वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करेगा, हम जब उसे देखेंगे वो ऐसे लगेगा वो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे पल में वो इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा, इतना हम कह सकते हैं वो बिहेवियर चेंज करेगा कि हमें पता, हम यकीन नहीं कर सकते कि थोड़ी देर पहले जिस बंदे से मैं बात कर रहा था क्या ये वही है। सपोज अगर हम बात करेंगे इस तरह की, कोई इंसान किसी के दिमाग पे सपोज अगर उसने अपने सराउंडिंग में सपोज उसके क्लोज किसी के साथ कोई घटना हुई है, या कोई ऐसा हम कह सकते हैं कुछ ऐसा हुआ है कि जिसका इम्पैक्ट रहा उसके दिमाग पे। सपोज कोई इंसान बिल्कुल प्योर होता है, सिंसियर होता है, रिलीजियस स्कॉलर होता है, तो वो कहता वो अपनी दुनिया में देखना चाहता है कि सब कुछ रिलीजियसली ठीक हो, लेकिन सराउंडिंग में जब वो देखता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, रिलीजियस के अकॉर्डिंग नहीं है, लोग रिलीजियस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग रिलीजियस के मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसके दिमाग पे स्ट्रेस पड़ जाता है। तो फिर उससे क्या हो जाता है, कुछ लोग
जब उस पर वो दिमाग जब वो जब उसके सराउंड में सब कुछ ठीक होता है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो ही सडनली उसके सराउंड में कुछ अगेंस्ट रिलीजियस इश्यूज हो रहे हैं, अगेंस्ट यानी कि उसके रिलीजियस के अगेंस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो उसकी जो पर्सन है वो स्प्लिट हो जाती है। या सपोज कोई देख रहा है कि उसकी मां, कोई इंसान, मुझे याद है एक बच्चा था, उसकी मां के साथ उसको डॉक्टर ने डायग्नोज किया था शिज़ोफ्रेनिया। उसकी मां के साथ उसके जो बाप ने उसकी मां के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, उसको पीटता था, रोज मारता था, उसके मतलब घर से निकालता, उसको खाना नहीं देता। तो जो छोटा बच्चा रेगुलर ये चीज देखता था, विद द पैसिव टाइम इसका जो दिमाग है इसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी, विद्यापति जब वो ग्रो होने लगा तो उसने देखा जब भी वो देखता था सराउंडिंग में वुमेन, वो अपनी उनमें अपनी माँ को देखता था तो नॉर्मल रहता था, लेकिन जो ही वो देखता था कि सडनली किसी औरत पर कोई जुल्म होता है, कोई ऐसा हो रहा है, तो उसका जो ब्रेन है वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये लड़का एक मॉल में एज अ काम कर रहा था, एज अ हम कह सकते हैं एज अ वॉचमैन। तो वहां पे कोई बंदा है जो एक औरत के साथ मिसबिहेव कर रहा था, या हम कह सकते हैं उसको टॉन्ट कर रहा था, तो इस इंसान ने उस इंसान को मार दिया, इस वॉचमैन ने उस इंसान को मार दिया, क्योंकि इसकी अब जो पर्सनालिटी वो स्प्लिट थी। लेटर ऑन जब उस वॉचमैन को गिरफ्तार किया गया तो देखा गया कि वो एक्चुअली मेंटली इल निकला। तो कोर्ट ने कहा है कि हम इससे सजा नहीं दे सकते हैं, ये डिजीज है, ये पेशेंट है, ये बीमार है। तो कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि इसे बाजाब्ता आप डॉक्टर की निगरानी में रखो। देन जिस पे वो पेशेंट जो है उस वॉचमैन को फिर ठीक किया गया, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। दैट मींस कुछ लोग ऐसे हमारी सोसाइटी में है, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे हालात है, हमारी लाइफ अब जो हमारी अब वो इतनी स्मूथ नहीं है। अब हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें ऐसे बहुत सारे घटनाएं होते हैं, कुछ लोग जो अनदेख अनसुने करते हैं, शायद वही लोग ठीक है। मेरे एक फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि अगर इस दुनिया में ठीक से रहना है तो बी एन इडियट, गौर ही मत कीजिए। लेकिन जो लोग इस चीज को देख रहे हैं तो उसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो उनकी जो पर्सनैलिटी वो स्प्लिट होती है, वो हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। और इतना ही नहीं, एक और है, इसमें हेलुसिनेशन भी हो जाती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आई एम राइट हियर, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। व्हाट इज दैट ऑडिटरी हेलुसिनेशन? आवाजें सुनाई देती है, उसे लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन एक्चुअली होता ही नहीं। तो जो सराउंडिंग में जो कोई बात, कोई आवाज उसको सुनाए, वो कहता है कि मुझे कोई बुला रहा है, इवन वो चाहे नाइट हो, डे हो, या कोई भी टाइम हो, उसे लगता है उसे कोई बुला रहा है, उसे कोई आवाज सुनाई दे, लेकिन एक्चुअली आवाजें नहीं होती है। उसे हम कह सकते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये इसमें होता है। नेक्स्ट डिजीज जो है थर्ड टाइप, उसे हम कहते हैं मेंटल डिसएबिलिटी, मेंटल डिसएबिलिटी। देखिए, या तो ये हम कह सकते हैं इसमें या तो अंडर डेवलप्ड ब्रेन की वजह से होगा, या अनडेवलप्ड ब्रेन, किसी का जो ब्रेन है वो डेवलप ही नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड ब्रेन, या फिजिकल, या किसी का जो ब्रेन है उसमें फिजिकली हम कह सकते हैं इंजरी हुई, फिजिकल इंजरी। सपोज किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट उसके हेड को चोट पहुंची है, तो हम कह सकते हैं फिजिकल इंजरी हुई है ब्रेन को। या किसी को सपोज जो ब्रेन है राइट फ्रॉम बर्थ इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो जो उसका ब्रेन है वो अनडेवलप रह चुका है, तो ये उसकी वजह से होता है। इसमें हम दो डिजीज इंपॉर्टेंट स्टडी करेंगे, इसके दो एग्जाम्पल्स। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। अभी आप यहां देखिए, जो ये शिज़ोफ्रेनिया है इसमें, या मैं लिखना भूल ही गया, इसमें ओवर सेक्रीशन होता है डोपामाइन। यहां पे जो डोपामाइन है उसकी ओवर सेक्रीशन की वजह से होता है, ये पॉइंट प्लीज वहां पे नोट कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछा जाता है कि अल्जाइमर्स डिजीज में कौन सा केमिकल जो है डिक्री नहीं निकलता है, कम निकलता है, एसिटाइलकोलाइन। शिज़ोफ्रेनिया में ओवर सेक्रीशन होता है डोपामाइन का, लेकिन पार्किंसन डिजीज में डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ डोपामाइन।
तो जो डोपामाइन है वो बहुत कम निकलता है किसमें, पार्किंसन डिजीज में। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, इंसान जो है उसके लेग्स में ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स इन लेग्स, उसके जो पैर है वो लड़खड़ाते हैं, ट्रेमर्स इन, या वो उसका जो फेस है अपने जो जो मूवमेंट नहीं होते हैं कंट्रोल, जो मोटर न्यूरॉन की मूवमेंट है वो नहीं होता है, मस्क ऑन फेस, मस्क ऑन फेस। या यहां पे ध्यान से जो पार्किंसन डिजीज है इसमें लॉस ऑफ मोटर न्यूरॉन कंट्रोल, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन है वो काम नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से एक स्टूपिड हम कह सकते हैं एक सपोज कोई बंदा ऐसे रह जाता तो ऐसे ही रह गया, तो इसमें जो एक हम कह सकते हैं जो इसका जो अगर इंसान झुक जाता वो झुक जाता, वो उठ नहीं पाता है क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स है वो काम, या हम माउथ जो है वो माउथ को मूवमेंट नहीं करा सकता है, उसकी जो माउथ की मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है। एक और इसमें एग्जाम्पल है दैट्स एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मींस मिर्गी है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगते हैं, जैसे हम देखते हैं कभी अगर हम सपोज किसी को पावर का झटका तो उसकी पूरी बॉडी शेक हो जाती है, तो यहां एपिलेप्सी में क्या है उसकी पूरी बॉडी शू कर रही है, कंटिन्यूअसली शू कर रही है, यहां तो किसी बंदा जब वो उसको करंट लग जाती तब वो शू करता, करंट डिटेच वो नॉर्मल रह जाता है, लेकिन इसमें एपिलेप्सी में क्या है उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली शू कर रही होती है, रीजन क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन जो है, जो इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसकी वजह से हो जाते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस, यानी कि जो न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स मूव कर रही है उसमें कुछ इंबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी होती है। तो ये तीन तरह के हम कह सकते हैं मेंटल इलनेस है, पहला न्यूरोसिस जो माइल्ड है, पेशेंट को पता है कि मैं बीमार हूं, एक मामूली चीज पर उसको गुस्सा आ जाता है तो वी कैन, उसमें फोबिया सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो उसको पता है और रेडी होता है खुद को ठीक करने के लिए। साइकोस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डेंजरस है और हाईएस्ट स्टेट हम कह सकते हैं मेंटल इलनेस है, और इसमें पेशेंट को ना पता होता अपनी बीमारी के बाद, ना वो रेडी होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, ना उस चीज को ठीक करने के लिए, जिसमें हमने पढ़ा अल्जाइमर्स डिजीज एंड शिज़ोफ्रेनिया। उसके बाद थर्ड, और एक और चीज याद रही, जो शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स है हमें फिर उसको क्लिप्स दिखाने होते हैं, मुझे याद आया एक मूवी आई थी लॉन्ग बैक, अजय देवगन अक्षय खन्ना और मिला मोटोंडकर की, वो फिल्म थी दीवानगी, उसमें अगर आपको याद होगा जो अजय देवगन होता है उसको बचपन में ही वो अपनी मां के साथ जो उसका लोगों का बिहेवियर, उसके बाप का बिहेवियर होता है तो उसका इम्पैक्ट रहता है, और बचपन में वो सिर्फ एक ही बंदे को, एक ही पर्सन को देखता है, उसके साथ बड़े प्यार से पेश आने से वो होती है वो लड़की जो लेटर ऑन एक्ट्रेस बन जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ग्रो करता वो उसको बचपन में बोला गया कि ये आपकी बीवी है आपको इसे शादी करनी है, तो वो इसी चीज को एक्सेप्ट करता है, लेटर ऑन जब वो ग्रो करता तो वो देखता सब कुछ चेंज है, और वही जो एक्ट्रेस है उर्मिला शी इज वेरी क्लोज टू अक्षय खन्ना, उसके बाद वो क्या करता है वहां पर कत्ल होता है, फिर किस तरह उसका बीवी वो उसमें दिखाया गया है। या मुझे याद एक मूवी आई थी विजय की, शायद वो विजय एक्टर था, साउथ की एक मूवी थी, उसमें भी उसकी हो जाती है स्प्लिट पर्सनालिटी, रीजन क्या होता है वो भी अपने सराउंडिंग में बहुत सारे गलत काम, गलत एक्टिविटीज, लोगों के रूल्स ओबे नहीं करना, सिटीजनशिप का मतलब एजड पीपल के साथ मिसबिहेव, छोटे बच्चों के साथ, तो वो बहुत सारे ऐसी चीज का दिमाग पर उसका असर पड़ता है और उसकी जो बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है, तो एक पर्सन में वो बन जाता है बड़ा खतरनाक एग्रेसिव, जिसमें वो उन लोगों को किल करता है जो काम करते हैं, और दूसरे पर में बिल्कुल वो नरम तबीयत का इंसान होता है, अपराजित शायद उस मूवी का नाम था। तो ये है स्प्लिट पर्सनालिटी के। उसके बाद मेंटल डिसेबिलिटी, ये अनडेवलप्ड ब्रेन या फिजिकल इंजरी जो ब्रेन को पहुंचती है उसकी वजह से होती है, इसमें पार्किंसन डिजीज और एपिलेप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, इसका नाम है ड्रग अब्यूज, क्योंकि हमें इन डिजीज को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, आपके सिलेबस में तो यह है ही नहीं पहला पॉइंट है, क्योंकि याद रखिए आपको अपना एनसीईआरटी का सिलेबस
फॉलो करना है, इसमें हमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू फॉलो इट, उतना ही हमें पढ़ना है जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है और जिसपे कल को आपको क्वेश्चन है, क्योंकि आपका मकसद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यू कैन सॉल्व इट नाइसली, यू कैन राइट इट नाइसली, आप अच्छे से लिख पाओगे, उस पर अच्छे मार्क्स आपको आने चाहिए। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब नीट में आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जो भी क्वेश्चन इस पार्ट में से आ जाएगा यू शुड सॉल्व, आपको पता होना चाहिए, बस ये आपकी है। बाकी अननेसेसरी कचकोड़ा कर दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है वो तो एमबीबीएस में, या फिर जब आपको कोई साइकोलॉजी के लिए जाएगा पीजी करने के लिए या क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो वहां आपको पढ़ने की जरूरत है। तो हम यहां पे लिखेंगे हेडिंग ड्रग एब्यूज। देखिए ड्रग एब्यूज जो है यहां पे दो वर्ड्स है, ड्रग एब्यूज के यहां पे दो वर्ड्स है। पहला है ड्रग, किसे हम कहेंगे ड्रग? देखिए ड्रग एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस है जो हम इस पर्पस के लेते हैं ताकि जो हमारी बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर है, डिजीज है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। वो डिजीज चाहे फिजिकल डिजीज हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल डिजीज हो, सो हम एक दवाई ले रहे हैं अपनी उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। एक बार वो डिजीज ठीक हो गई, दवाई स्टॉप, और डॉक्टर एक पर्टिकुलर डोज देता है उस दवाई का, उसको पता होता मुझे कितने दिन के लिए। लेकिन जब कोई इंसान इस ड्रग को इस पर्पस के लिए ले जाएगा कि जस्ट उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसे मजा आता है, वो इसे क्लिनिकल पर्पस के लिए नहीं लेता, उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं लेता, उसको एंजॉयमेंट के लिए लेता है। और सपोज अगर डॉक्टर ने कोई दवा रखी है और ये बंदा लेता एक बार ठीक हो, लेकिन ये पर्सन इस दवा को फिर कंटिन्यू करता है, उसको मजा आता है इस मेडिसिन में, तब हम कह सकते हैं अब्यूज। तो यहां पर दो वर्ड्स है, ड्रग एंड अब्यूज। ड्रग मीन्स, पहले हम ड्रग की बात करेंगे, एनी केमिकल सबस्टेंस विच आर यूज्ड टू क्योर ए पर्टिकुलर डिजीज। कोई बीमारी ठीक करने के लिए जब हम कोई सबस्टेंस लेते हैं उसे हम कहते हैं ड्रग, इसलिए उस वक्त हम उस ड्रग को मेडिसिन भी कहते हैं। सो मेडिसिन वो ड्रग है जो सिर्फ इस पर्पस के लिए लिया जाता है कि एक बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट, अब्यूज क्यों हम कहते हैं? व्हेन ड्रग्स आर यूज्ड ओनली फॉर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड हैव नो मेडिसिनल या क्लिनिकल रिक्वायरमेंट। यानी कि उस मेडिसिन, उस ड्रग को सिर्फ इस पर्पस के लिए लिया जाता है कि मजा आना चाहिए, एक्साइटमेंट के लिए, उसका कोई मेडिसिनल या क्लिनिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि उस पर्सन को उस दवा की लेने की जरूरत ही नहीं है। सपोज कोई लोग एंटी एंग्जाइटी की दवा खाते हैं, क्लोनिजिपम या वैलियम, लेकिन उसे कोई ना एंग्जाइटी है ना परेशानी है, कोई डिसऑर्डर, लेकिन वो फिर भी लेता है अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो अगर वो ड्रग लेता है सिर्फ खुद के एंजॉयमेंट के लिए, यानी कि उसे उस ड्रग की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ फिर भी लेता है, हम कह सकते हैं कि वो इस ड्रग को अब्यूज कर रहा है। या फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जो है कफ सिरप है, यहां कश्मीर में अक्सर लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो इस कफ सिरप में एक केमिकल होता है, या तो अल्कोहल होता है, या बहुत सारे कफ सिरप में कोडीन पाया जाता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डॉक्टर इस मेडिसिन को रखता है सिर्फ इस पर्पस के लिए ताकि इसके अंदर जो ये बीमारी है, चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो ठीक हो जाएगा। वो उसको कहता है चलो महीने में आपको एक मंथ, दो मंथ, तीन मंथ की दवाई लेनी है। लेकिन एक बार जब वो ठीक हो जाता है, डॉक्टर उसको अवॉइड करता है, उसको स्टॉप करता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे चल इसका शायद ये डोज के लिए एडिक्ट बन जाएगा। तो लेकिन ये बंदा फिर भी उसको लेता है, कंटिन्यूस लेता है, सालों साल लेता है, तो दैट मींस वो इस ड्रग को अब अब्यूज कर रहा है, वो इस ड्रग को अब गलत तरीके से इस्तेमाल, यानी कि अब्यूज मींस जब हम कोई ड्रग गलत तरीके से यूज करेंगे, एक गलत रॉन्ग एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, तो उसे हम कह सकते हैं, या हम उसे डोप भी कह सकते हैं, यानी कि वो ये ड्रग लेते हैं अपने किसी एंजॉयमेंट के लिए, तो हम उसे कहते हैं ड्रग अब्यूज। यहां पे जो ड्रग्स है वो दो तरह के हैं, जो ड्रग्स है दे आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला उन्हें कहते हैं हम साइकोट्रॉपिक
साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और दूसरा है साइकोडेलिक ड्रग्स। सो हम कह सकते हैं ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले हम बात करेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की। तो साइकोट्रॉपिक, साइको मींस ब्रेन माइंड, यानी कि ये मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स। यहां पे क्या है, इस ड्रग से लेने से जो इंसान का बिहेवियर है, जो इंसान का मूड है, वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो रियलिटी है वो कभी चेंज नहीं है। रियलिटी मीन जो इसके सामने है, इसे अच्छे से समझ आता है कि मेरे सामने है क्या, मेरे सराउंडिंग में क्या है। खाली इसका जो सोच है, इसकी जो ब्रेन का फंक्शनिंग है, वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, वो उसका मूड चेंज हो जाता है। सपोज किसी को स्ट्रेस है तो उसे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में उसे मेडिसिन दिया जाता है। या हम कह सकते हैं सपोज हम किसी बंदे को लेते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इसको ब्लड प्रेशर चढ़ा है। डॉक्टर को कहता है क्या इसे कोई और प्रॉब्लम है, नहीं सब कुछ देखता है, ईसीजी सब कुछ चेक करता है तो ये नॉर्मल होता है। तो डॉक्टर को पता चलता है कि शायद इसका जो ब्लड प्रेशर है इट्स बिकॉज ऑफ टेंशन, इट्स बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, परेशानी। तो वो ऐसे से पेशेंट को एड्रेस करता है, उसे बात करता है और बातों बातों में, चूंकि जो डॉक्टर होता है ये स्ट्रांग और खतरनाक हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट होता है, तो इसे बातों बातों में पता चलता है कि पेशेंट को एक्चुअली डिप्रेशन है या पेशेंट को एक्चुअली टेंशन है। तो वो पता चल गया उसको ये बिकॉज ऑफ टेंशन की वजह से है, तो वो इससे एक तो हम कह सकते हैं इस ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट दवा देता है और वो इसके साथ ये देखता है कि ब्लड पेशेंट जो है ये अननेसेसरी स्ट्रेस में रहता है, अननेसेसरी टेंशन में रहता है, तो वो उसको कुछ और दवाई देता है ताकि उसका जो माइंड है वो रिलैक्स स्टेट में रहे, ताकि उसका जो ब्रेन है वो एग्रेसिव ना बन जाए या हम कह सकते हैं ओवर रिस्पॉन्स ना दिखाए। कुछ टाइम के लिए वो जब लेता है तो बंदा ठीक रहता है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वो ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, उसके बाद उसे ये दवा बंद करनी है। लेकिन अगर उसने यही दवा कंटिन्यूअसली ली, फिर भी कंटिन्यूअसली वो लेता है, तो दैट मींस वो इस ड्रग को अब्यूज कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब वो ये ड्रग लेता है तो सिर्फ उसका जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल आ जाता है, वो रिलैक्स करता है, वो काम होता है, उसके मसल रिलैक्स करते हैं, लेकिन जो उसके ब्रेन के सामने जो रियलिटी है वो रिमूव नहीं होती, वही पे होती है। उसे पता चलता है कि वो खुद कौन है, उसके सामने क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, लोग कौन है, उसे वो सब कुछ दिखता है। खाली उसका जो मूड है वो ऑल्टर हो जाता है। इस साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के एग्जाम्पल्स में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले ट्रांकलाइजर्स एंड सिडेटिव्स, ये पहला है। दूसरा है स्टिमुलेंट्स, एक और है जिन्हें हम बोलते हैं ओपियोइड्स। अब आएंगे साइकोडेलिक ड्रग्स की। साइकोडेलिक ड्रग्स जिन्हें हम एक और नाम से देते हैं हेलो, यहां मैं लिखता हूं हेलोसिनोजेंस। ये वो ड्रग्स है जो हेलुसिनेशन, देखिए ध्यान से देखिए, सपोज मैं चल रहा हूं, सामने लकड़ी है, कोई लॉग है, कोई वुडन ब्लॉक है, या कोई वुडन, या सपोज रस्सी है, मुझे वो सांप दिखता है। कोई चीज है, सपोज रस्सी है, लेकिन मुझे वो सांप दिखा, इज अ डिल्यूजन, हम उसे क्या कहते हैं, डिल्यूज। लेकिन जब कोई चीज है ही नहीं लेकिन मैं उसे सांप समझता, मैं कहता हूं नहीं यहां पे कुछ है, लेकिन है कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं वहां पर है, इमेजिनरी वर्ल्ड, इमेजिनरी थॉट जो मेरे ब्रेन में है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी शेप, एक इमेजिनरी पिक्चर बन जाती है मेरे दिमाग में, है कुछ नहीं वहां पर, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं वहां पर सांप है, मैं चिल्लाता हूं, चीखता हूं कि सांप है, सांप है, सांप है ही नहीं वहां पर, कुछ भी नहीं है वहां पर, उससे हम कहते हैं हेलोसिनेशन। सपोज मुझे मां बुला रही है लेकिन मुझे लगता है मेरा दोस्त बुला रहा है, एक्चुअली आवाज देता है मेरी मां या मेरे बाप, मेरे पिता या मेरा भाई मुझे बुला रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, डिल्यूजन। लेकिन आवाजें है ही नहीं, फिर मैं कहता हूं समन इस जो है मुझे बुला रहा है, कोई मुझे आवाजें दे रहा है, लेकिन आवाजें है ही नहीं, हेलुसिनेशन। सो दैट मीन्स जो इसमें है, ये ड्रग्स लेने से ये ड्रग्स चेंज करते ऑल्टर थॉट, सेंस, परसेप्शन, इंसान की सोच, इंसान की समझ, इंसान का जो किसी चीज के मुताबिक जो परसेप्शन है टोटली चेंज करता है। व्हाट्स माय परसेप्शन अबाउट एनीथिंग,
मुझसे पूछा जाता है क्या आपका अंदाजा है इन हालातों पे, क्या अंदाजा इस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे, क्या अंदाजा आपका, क्या परसेप्शन है। सो मैंने जो समझा मैं वही कहता हूं। सो इस ड्रग के लेने के बाद इंसान का जो परसेप्शन है वो टोटली रिमूव, इसका जो रियल वर्ल्ड है वो डिटेक्ट खत्म हो जाता है। रियल वर्ल्ड चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, यानी कि इसके संग जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं रह जाती, ये रियलिटी समझता ही नहीं है, ये रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, रियलिटी इसको दिखती ही नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड इसके दिमाग में डेवलप हो जाती है, जो है ही नहीं वो इसके दिमाग में डेवलप होता है। ये सडनली खुद को समझता कुछ और, इसको हम कहते हैं आप ये हो, आपका नाम ये है, आप ये काम भी कहते हैं, नो मैं वो नहीं हूं, दैट्स हेलुसिनेशन, यानी कि जो चीज है ही नहीं वो ये समझता है, उसी को हम कहते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड, ये आपके ही ड्रीम्स में रहता है, इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि एक ख्याली पुलाव, हम कहते हैं ना ख्याली पुलाव, ये ख्याली दुनिया में रहता है, अपने ही फैंटेसी में रहता है। ऑलवेज लिव्स इन हिज और हर ड्रीम्स, फैंटेसी, अपने ही दुनिया में मगन, जो दुनिया है ही नहीं उसी में मगन रहता है, ठीक है। तो ये दो तरह के ड्रग्स हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स है लाइक एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड, सिलोसाबीन, मस्कलीन, कैनबिनॉइड्स एक्सेट्रा। तो पहले हम देखेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, उसके बाद हम देखेंगे साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, इसकी जो पहली एग्जांपल हम लेंगे दैट इज साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की हम पहले एग्जांपल लेंगे ट्रांक्विलाइजर्स, एंड सिडेटिव्स। ये मेडिसिन हम कब लेते हैं, ये दवा, ये ड्रग हम कब लेते हैं, ध्यान सुनिए, ये जो ड्रग है इट्स एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी, लवर्स ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को लव कम करता है, कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल्स, न्यूरॉन्स, ये कामनेस आता है, लाता है, सॉरी, ये रिलैक्स करता है, ये लवर करता है डिप्रेशन, लवर्स डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्री बाउल मूवमेंट्स, यानी कि जो बाउल मूवमेंट्स है वो फ्रीली हो जाती है। जो ये ट्रांक्विलाइजर्स है, इंसान को जब डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होता है, स्ट्रेस होता है, उसे अपने मसल्स में स्टिफनेस है, अननेसेसरी थकावट लगती है, टायर्डनेस है, तब ये मेडिसिन दिया जाता है। तो ये इंसान के अंदर रिलैक्सेशन लाता है, कॉमनेस लाता है, उसके न्यूरॉन्स में काम, तो काम कैसे करता है, ये करता है अपने न्यूरॉन्स में हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपर पोलराइजेशन, ये शायद 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो न्यूरॉन्स होता है उनमें एक नर्व इंपल्स जब मूव करते तब डीपोलराइजेशन होती है, जब उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक सेल का -70 मिलीवोल्ट से +34 मिलीवोल्ट हो जाता है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, उसी वजह से नर्व इंपल्स मूव करती, उसी वजह से हार्ट बीट भी होती है, उसी वजह से मसल कंट्रैक्शन भी हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा होता है, सपोज एक सेल के अंदर, एक न्यूरॉन के अंदर -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो इन मेडिसिन से, ट्रांक्विलाइजर्स या सिडेटिव के लेने से न्यूरॉन्स के अंदर या मसल सेल्स के अंदर और नेगेटिविटी बढ़ जाती है। सपोज अगर -70 मिलीवोल्ट था, अभी बन जाता -80, -90, उसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो जो नर्व इंपल्स है वो बिल्कुल स्लोली स्लोली मूव करती है, मसल्स स्लोली स्लोली कंट्रैक्ट करते हैं, हार्ट बीट बहुत स्लो चलती है, इसलिए एक इंसान जो फील करता है रिलैक्स। तो हाइपर पोलराइजेशन होती है -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस,
और ये जो ड्रग्स है दे ओपन क्लोरीन आयन चैनल्स, जो न्यूरॉन्स में या मसल सेल्स में क्लोरीन आयन चैनल्स है उनको ओपन करते हैं। सपोज यहां मैं दिखाता हूं, अगर ये न्यूरॉन्स है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव भी है, अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ये सडनली कौन सा आयन चैनल ओपन करता है? नेगेटिव, दैट्स क्लोरीन आयन चैनल। सो दैट सारा नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अंदर। अंदर अभी तक था -70 मिलीवोल्ट, जब और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, वही बन जाएगा -90 मिलीवोल्ट। सो ये पॉइंट याद रखिए, ट्रांक्विलाइजर्स और सेडेटिव्स जो है दे बाइंड विद द क्लोरीन आयन चैनल रिसेप्टर्स, ये ओपन करते हैं क्लोरीन आयन चैनल्स प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स और इन द मसल सेल्स, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। एग्जाम्पल, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजपीन्स एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वैलियम, एल्प्रेजोल, बहुत सारे मार्केट में डिफरेंट नेम्स है, लेकिन आपके लिए जो याद है वह है वैलियम। वैलियम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बारबिट्यूरेट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रांक्विलाइजर्स है ये रिलैक्स तो करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, न्यूरॉन्स को रिलैक्स करते हैं, लेकिन ये इंड्यूस नहीं करते स्लीप। सो यहां पे ये याद रखिएगा, ट्रांक्विलाइजर्स डज नॉट इंड्यूस स्लीप, इसलिए कभी कभी इन्हें कहते हैं माइनर ट्रांक्विलाइजर्स। जो सेडेटिव्स है दे ऑलवेज इंड्यूस स्लीप, इसलिए कभी कभी इन्हें कहा जाता है स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि इनकी वजह से क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो अक्सर कभी पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इंड्यूस स्लीप, तो जो ट्रांक्विलाइजर्स है ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। इंसान कभी भी, अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर रहता है, उसने उसे ऑफिस जाना है, उसने ये मेडिसिन खाया, उसका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, उसके बाद वो ऑफिस जा सकता है, या अगर कोई फील करता है स्टिफनेस, टायर्डनेस, वो ये मेडिसिन ले सकता है और डे टू डे लाइफ में अपने काम कर सकता है। लेकिन अगर कोई सोना चाहता है, उसको नींद नहीं आती है, लेकिन उसको स्ट्रेस है, टेंशन है, वो अपने टेंशन को रिड ऑफ करना चाहता है टेम्पोरी टाइम के लिए, वो ये मेडिसिन ले सकता है, उसके बाद ही और शी कैन हैव अ साउंड स्लीप। तो सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स कैन इंड्यूस द स्लीप, और ट्रांक्विलाइजर जो है ये इंड्यूस नहीं करते हैं स्लीप। ये पहला था जिसको हमने नाम दिया था ट्रांक्विलाइजर्स। सेकंड वन, स्टिमुलेंट्स, दूसरा जो इसका टाइप, दैट स्टिमुलेंट्स। ये एक्चुअली क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट, ये अपोजिट है। ट्रांक्विलाइजर्स इंड्यूस करते हैं हाइपर पोलराइज्ड, ट्रांक्विलाइजर स्टेटिव्स ओपन करते हैं क्लोरीन नेगेटिव आयन चैनल्स, तो जिसकी वजह से जो दिमाग है वो कभी कभी मस्त हो जाता है, नींद की ओर चला जाता है, रिलैक्स करते हैं। लेकिन यहां पर जो ये मेडिसिन है, ये ड्रग्स जो है, ये एक इंसान को एक्टिव रखते हैं, एक्साइटमेंट। सो दे कॉज एक्साइटमेंट, अलर्ट, इंसान अलर्ट रहता है, एक्टिव, ठीक है। ये ओपन करते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन चैनल्स, तो इनकी वजह से क्या है? पॉजिटिव आयन चैनल ओपन हो जाते, जिससे अंदर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस से पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक नर्व जो है वो इंपल्स जनरेट करते हैं, तो नर्व जो है एक्टिव रहती है। इसके दो एग्जाम्पल्स है स्टिमुलेंट्स की, एक उन्हें बोलते हैं माइल्ड स्टिमुलेंट्स मामूली, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल कैफीन, ठीक है, कैफीन, जैसे हम एक लिप्टन टी पीते हैं उसमें कैफीन 50 मिली, एक कप लिप्टन चाय में 50 मिलीग्राम कैफीन होता है। इसी तरह अगर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉफी हम लेते हैं, तो उसमें एक कप कॉफी में 100 मिलीग्राम कैफीन होता है। कोक हम पीते हैं उसमें पाया जाता है कैफीन, तो ये हमें थोड़ी बहुत टाइम के लिए क्या रखते हैं? अलर्ट रखते हैं।
अक्सर आपने देखा होगा ऑफिसेज में बहुत सारे ऑफिस जहां पे क्लर्क्स काम करते हैं उन्हें कंटिन्यूअसली आदत होती है लिप्टन चाय पीने की या लिप्टन टी पीने की, या इस तरह आप देखिए जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के दौरान, चाहे आप यूपीएससी के जैसे आप देखिए 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी एग्जामिनेशन या नीट का एग्जामिनेशन या जेई का एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चों को उसमें आदत होती है ये कॉफी पीने की, क्योंकि उसमें क्या होता है उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के लिए दे फील अलर्टनेस। दूसरा इसमें होता है उसमें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स, इसमें एक एग्जांपल है एम्फेटामाइन। ये बाज़ाब्ता मार्केट में इसकी जो है एज ए टेबलेट के फॉर्म में मिलती है, तो इसका जो कॉमन नेम है उसको हम कहते हैं मेथ। ये हम ले सकते हैं, ये अपने ये दिमाग को अलर्ट रखते हैं। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स जिनको हाईवे पे कंटिन्यूस रात भर चलना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अक्सर मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो कोई पर्टिकुलर चीज है जल्दी कहीं पहुंच, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, सो दैट ये जल्दी चीज जो उनके पास जो जो गुड्स होते हैं जो थिंग्स होते हैं वो कैरी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह तक, तो वो ये रात भर उनको वो दिन रात चलते रहते हैं, तो वे एम्फेटामाइन लिखते हैं ताकि उनको नींद का गलबा नहीं, उनका दिमाग जो अलर्ट रह जाए, तो वो ये लेना चाहते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है कोकेन, और कोकेन का एक और नाम है क्रैक। कोकेन या क्रैक, ये एक कोक का एल्कलॉइड है, कोक का इसका एक और नाम है कोक का एल्कलॉइड। और कहां से निकलता है, ये निकलता है एक प्लांट, इसका नाम है इरिथ्रो जाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका। ये जो कोकेन है या इसका एक नाम है क्रैक, ये एक प्लांट से मिलता है, इसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। और जो ये प्लांट है ये नेटिव साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोकेन आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। कोकेन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, जो कहां से निकाला जाता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से, जो एक साउथ अमेरिका का एक नेटिव प्लांट है। और जो कोकेन है पहले तो इंसान को बहुत अलर्ट रखता है, एक्टिव रखता है, लेकिन अगर इंसान इसको कंटिन्यूअसली यूज करेगा, कंटिन्यूअस यानी कि जब एक इंसान इसको डोप करता है, एडिक्ट बनता है, अब्यूज करता है, तो ये हम कह सकते हैं ऐसे एग्रेशन लाता है, ये इंसान को एग्रेसिव बनाता है, इंसान को अननेसेसरी चीज पे गुस्सा आ जाता है, वो जगडालू बन जाता है, उसको लगता है अननेसेसरी उसके बॉडी में एनर्जी हो जाती है, तो उस एनर्जी की मदद से वो हमेशा दूसरों पे उसका वो गलत जो है फायदा उठाता है। तो ये जो इरिथ्रोजाइलम कोका है, ये एक प्लांट है साउथ अमेरिका का, तो उससे प्रोड्यूस होता है कोकेन। कोकेन अगर हमने यूज किया है अननेसेसरली कंटिन्यूअस, यानी कि अगर एडिक्शन हो गई कोकेन की, तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्रेशन लाता है, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्रिएट करता है। तो ये थे स्टिमुलेंट्स। अब हम थर्ड लेंगे जिन्हें बोलते हैं ओपियॉइड्स, जो है थर्ड दैट्स ओपियॉइड्स। ओपियॉइड्स ये एनाल्जेसिक है, यानी कि दे रिलीव फ्रॉम द पेन, एनाल्जेसिक, ये पेन किलर्स है, दे आर यूज अगेंस्ट द पेन, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल। और ये जो ओपियॉइड्स है ये भी एल्कलॉइड्स है, कहां से प्रोड्यूस होते हैं, एक प्लांट जिसको बोलते हैं पॉपी प्लांट, इसका बॉटनिकल नेम है पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम वहां से प्रोड्यूस होता है। इसकी एक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल मॉर्फीन, मॉर्फीन जो वर्ड है ये निकाला गया है मॉर्फियस से, गॉड ऑफ ड्रीम्स। तो जो मॉर्फीन है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है, ये यूज किया जाता था आफ्टर सर्जरी, सर्जरी करने के बाद से यूज किया जाता था।
और लोग इसे अक्सर इसलिए अब्यूज करते थे क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं है। सपोज लोग इसको एडिक्ट क्यों बने इस मॉर्फिन के, क्योंकि इसके लेने से बाहर कुछ भी हो जाए, गुस्सा, कोई आपसे झगड़ा करे, कोई आपको मारे, कोई आपको पीटे, कोई आपको डांटे, यू डोंट फील इट एनीथिंग, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। एक और है कोडीन। जो कोडीन है ये कफ सिरप में यूज किया जाता है, कफ सिरप में, ये भी रिलीव करता है इंसान को फ्रॉम द पेन, लेकिन इसे भी अब्यूज किया जाता है आजकल। एक और है, इसका नाम है हीरोइन। हीरोइन का एक और नाम है स्मैक, ठीक है, आपने देखा होगा वो। ये एक्चुअली सेमी सिंथेटिक है, इसको हम कहते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फीन, यानी कि मॉर्फीन को किया जाता है एसिटाइलेशन, तो उसी से ये प्रोड्यूस होता है एसिटाइलेशन, तो उसे बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फीन। जो हीरोइन है ये बिल्कुल व्हाइट फॉर्म में होता है, ये हम पानी ड्रिंक के साथ भी ले सकते हैं, इसे हम सूंघ भी सकते हैं, इसे हम स्मोक भी कर सकते हैं, इवन इससे इंजेक्ट भी किया जा सकता है इंट्रावेनस। तो ये सबसे खतरनाक, यानी कि कोकेन और ये याद रखिएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं खतरनाक ड्रग्स जो है इस वक्त जिसका अब्यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, इसे यूज किया जाता है, क्योंकि इस हीरोइन के लेने के बाद इंसान अपने आप को भूल जाता है, ये टेम्पररी हेलुसिनेशन लाता है, और इतना ही नहीं, इसमें सबसे मेन चीज यह है, इसमें इंसान फील ही नहीं करता है कुछ, यानी कि उसे एहसासात, इमोशंस, कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस हीरोइन को अक्सर यूज किया जाता है फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या कुछ बच्चे से एक हम कह सकते हैं वो बीक मंगवाते हैं, तो बीक मंगवाने के लिए ये यूज किए जाते हैं, बच्चों को इसका आदि बनाया जाता है। तो जब इन बच्चों को इसका आदि बनाया जाता है, वो बच्चे फील ही नहीं करते हैं, वो दिन भर धूप में, बारिश में ऐसे ही नंगे पैर घूमते रहते हैं वहां पे ऑन रोड्स, तो उन्हें वो फील नहीं होता है, वो दर्द उनको धुतकारा जाता है, उन्हें बुरा भला भी कहा जाता है, बट दे डोंट फील, उन्हें कभी प्लीज भी लेती है बट दे डोंट फील इट। इस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वही इसका यूज करते हैं, लड़की को किडनैप करने के उसे यूज किया जाता है, उसे बार बार इसका इंजेक्शन दिया जाता है, सो दैट जो लड़की है उसके इमोशंस, फीलिंग्स एस वो खत्म हो जाए। जब किसी गर्ल को किडनैप किया जाता है फॉर उसे मतलब सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली मॉलेस्ट किया जाता है, तो उसे पहले इसी ड्रग का इंजेक्शन किया जाता है, ताकि उसे कोई एहसास ना हो, कोई फील ना हो, कुछ भी ना, उसको पता भी नहीं चले कि व्हाट इज हैपनिंग। और पॉर्न इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा यूज होता है ये ओपियोइड्स है, और ये सारे प्रोड्यूस होते हैं कहां से, फ्रॉम ए प्लांट नोन एज पेपरवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट, ये थे तीन ड्रग्स जो हमने स्टडी किए इसमें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे दूसरा पार्ट जिन्हें बोलते हैं साइकोडेलिक ड्रग्स, साइकोडेलिक ड्रग्स, साइकोडेलिक ड्रग्स। इसमें हम पहले लेंगे LSD का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइईथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइईथाइल एमाइड। यह प्रोड्यूस होता है एक फंगस से, एक फंगस जो पैरासाइट है ऑन ए राई प्लांट, ऑन राई प्लांट। तो ये जो फंगस है ये प्रोड्यूस करता है, उस फंगस का नाम है क्लाविसिपस पुरपुरिया। तो वहां से प्रोड्यूस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है कि एलएसडी कहां से प्रोड्यूस होता है, एक फंगस से प्रोड्यूस होता है। ये स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन लाता है, ये इंसान की जो थॉट्स है, इंसान का जो परसेप्शन है उसे एंटायरली चेंज करता है, ये इंसान को मजबूर करता है टू इंड्यूस वो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में रहे। एक और है सिलोसाइबीन, सिलोसाइबीन, जो सिलोसाइबीन है ये एक मशरूम से प्रोड्यूस होता है,
मशरूम से, इसका नाम है सिलोसाइबीन मैक्सिकाना, सिलोसाइबीन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना में प्रोड्यूस पाए जाते हैं, तो वहां से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एक और है, इसका नाम है मेस्कलीन, मेस्कलीन, ये कैक्टस से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैक्टस। एक और है सीड्स ऑफ दतुरा एंड एट्रोपा बेलेडोना, एक प्लांट है सीड्स ऑफ दतुरा एंड एट्रोपा बेलेडोना, तो ये यूज किया जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन आते हैं। आपको पता ही होगा जो बेलेडोनियम, बेलेडोनियम ये हम यूज करते हैं, ये एंटीस्पॉस्मोडिक है, एंटीस्पॉस्मोडिक, आपको पता ही होगा हम इसे यूज करते हैं अक्सर एज ए, जब वो कहीं पे कुछ इन्फ्लेमेशन निकलती है, कोई फोड़ा निकलता है तो उस पर यूज करता है, क्योंकि जो सराउंडिंग मसल्स है उनको रिलैक्स करता है, जिससे जो अंदर जो पस है वो फॉर्म हो जाता है, वो राइज हो जाता है, तो वहां पे यूज किया जाता है। या एक और है इसका एट्रोपाइन, जो यहां से प्रोड्यूस होता है, ये डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जब उन्हें किसी का आई टेस्ट करना है तो ये कुछ ड्रॉप्स आईज में डालते हैं, ये डायलेट करता है प्यूपिल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर जा सके, डायलेशन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। एक और है जिन्हें बोलते हैं कैनबिनॉइड्स, कैनबिनॉइड्स, ये जो कैनबिनॉइड्स है ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम ए प्लांट नोन एज कैनबिस सैटिवा, कैनबिस सैटिवा, वहां से प्रोड्यूस होते हैं कैनबिस सैटिवा से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कैनबिस सैटिवा के हमने लीव्स यूज किए, लीव्स, तो वी कॉल देम एज, इसे कहा जाता है भंग। अगर हमने इसका फ्लावर यूज किया तो इसे गांजा, गांजा या मारिजुआना कहते हैं। अगर हमने इसका रेजिनस स्टेम स्टिग्मा, रेजिनस स्टिग्मा यूज किया तो इसे चार्ट्स या हशीश कहते हैं। तो ये पूछे जाते हैं कि जो कैनबिनॉइड्स में पूछा जाता है कि बंग होता है क्या, ये लीव्स होता है कैनबिस के, या अगर हमने उनके फ्लावर्स को यूज किया तो ये गांजा या मारिजुआना कहते हैं। और फ्लावर्स और कौन से, फीमेल फ्लावर्स, यहां पे पॉइंट याद है, फीमेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स नहीं। और इस तरह जो रिजिन स्टिग्मा होता है उससे प्रोड्यूस होता है चार्ट्स या हम कह सकते हैं हशीश। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे साइकोडेलिक ड्रग्स के। आपको साइकोडेलिक ड्रग्स में बस ये पॉइंट याद रखना है कि साइकोडेलिक ड्रग्स चेंज द थॉट, चेंज द परसेप्शन, ये हेलुसिनेशन लाता है, इंसान को अपने ही ख्वाबों की दुनिया में इंड्यूस करता है, जो रियल वर्ल्ड है वो दिखाई नहीं देता है, इंसान अपनी रियलिटी में होता ही नहीं है, इंसान अपने ही ख्वाबों के दुनिया में मगन रहता है, ठीक है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ड्रग्स। तो हमने दो टाइप्स के ड्रग्स पढ़े, एक है साइकोट्रॉपिक जिसमें हमने ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव्स और हमने स्टिमुलेंट्स और ओपियोइड्स पढ़े। सेकंड हमने पढ़ा साइकोडेलिक ड्रग्स जिसमें हमने एलएसडी, सिलोसाइबीन, मेस्कलीन, सीड्स ऑफ दतुरा एंड एट्रोपा बेलेडोना एंड कैनबिनॉइड्स स्टडी किए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, जो कोकेन है वो जो खतरनाक ड्रग माना जाता है, जिसका इंपैक्ट रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और जो हीरोइन है उसका भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट रहता है। और एक और चीज है जो ये है ओपियोइड्स, इनका जो मॉर्फिन है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कुछ और एडिक्शन के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग and have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.